नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूँ पहाड़ समाचार। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में केवल 11 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 58 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया है। वहीं सक्रिय मामलों की बात करें तो वो घटकर 606 हो गई है। देहरादून जिले में गर्भवती महिलाओं को जल्द कोरोना का टीका लगना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है, स्वास्थ्य कर्मियों के संबंध में प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। उत्तराखंड में होने जा रहे विधानसभा चुनावों ने सियासी हलचल को तेज कर दिया है। एक तरफ बीजेपी अपने तमाम बड़े चेहरों की रैलियां करवाने की जा रही है, तो वहीं कांग्रेस भी इस बार युवा चेहरों पर भरोसा जता रही है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी इस राज्य में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने को तैयार दिख रही है। बीजेपी की बात करें तो उनकी तरफ से आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा की रैलियां होने जा रही है। वहीं कांग्रेस और आप ही दबे पांव अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उत्तराखंड में चुनावी हलचल तेज हो गई है। तमाम दल अपनी पार्टी की ताकत और जनता में भरोसा दिलाने के लिए कवायद शुरू कर चुके हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल हो गई है, क्योंकि उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने का मूड बना लिया है। वहीं बीजेपी की बात करें तो उन्होंने अपने स्टार प्रचारकों को अब जनता के बीच उतारने का मन बना लिया है, और जेपी नड्डा, अमित शाह जैसे बड़े नेता बीजेपी की ओर से उत्तराखंड में रैलियां करेंगे। वहीं कांग्रेस ने भी युवा को साथ लेकर इस बार 2022 के चुनाव में उत्तराखंड में पैठ बनाने की रणनीति तैयार कर ली है। प्रदेश संगठन में मिशन 2022 को लेकर की गई कवायद के बाद भी कांग्रेस घंटों में बटी नजर आ रही है, धड़ों में बटी नजर आ रही। कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने 10 कमेटियों का गठन कर करीब 180 से ज्यादा सदस्यों की सूची जारी की है, जिसमें हर धड़े को खुश करने की कोशिश की गई है। लेकिन बावजूद इसके पार्टी में असंतोष के सुर सुनाई दे रहे हैं। अपने मन मुताबिक पदों के बंटवारे के बाद भी समितियों में कुछ अप्रत्याशित नामों को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत नाराज बताए जा रहे हैं। कभी हरीश के सिपा सलाहकार रहे पूर्व मंत्री किशोर उपाध्याय, पूर्व मंत्री नव प्रभात और विधायक हरीश धामी भी खासे नाराज बताए जा रहे हैं। तो कांग्रेस उत्तराखंड में भी दो घटों में बटी नजर आ रही है, जिसमें लगातार मनाने की कवायद हालांकि चल तो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये दो घट जो है वो साफ तौर पर उजागर हो रहे हैं, जिसमें बंटवारे की बूसी आ रही है। अपने मन को मुताबिक पदों के बंटवारे के बाद भी समितियों में कुछ अप्रत्याशी नामों को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत नाराज बताए जा रहे हैं। कभी हरीश के सिपा सलाहकार रहे पूर्व मंत्री किशोर उपाध्याय, पूर्व मंत्री नव प्रभात और विधायक हरीश धामी भी खासे नाराज बताए जा रहे हैं। तो दो धड़ों में उत्तराखंड में बट सी गई है कांग्रेस सरकार। इसमें हरीश सिंह रावत कुछ लोगों के नामों को लेकर नाखुश है, तो वहीं हरीश के सिपा सलाहकार पूर्व मंत्री किशोर उपाध्याय, पूर्व मंत्री नव प्रभात और विधायक हरीश धामी भी खासे नाराज बताए जा रहे हैं। तो लगातार कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि जो दो धड़ों में बट गया है कांग्रेस का खेमा, उसको पाटने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश का 2022 को लेकर भी कई कवायद की जा रही हैं। पार्टी हाईकमान ने 10 कमेटियों का गठन भी कर 180 से ज्यादा सदस्यों की सूची भी जारी कर दी है, जिसमें हर धड़े को खुश करने की कोशिश की गई है। लेकिन बावजूद इसके पार्टी में असंतुष्ट होने के सुर जो है वो सुनाई दे रहे हैं। तो बता दें कांग्रेस में लगातार ये देखने को मिला है कि अपने ही खेमे में नाराजगी के सुर उठते रहे हैं, और उत्तराखंड में भी कांग्रेस पार्टी में इसी तरह के सुर उठ रहे हैं। दो धड़ों में जो है वो पार्टी बट सी गई है, जहां पर खुश करने की कवायद तो लगातार जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे नाम है, कुछ ऐसे पद है जिनको लेकर हरीश रावत नाखुश है। वहीं हरीश रावत के सिपा सलाहकार
रहे पूर्व मंत्री किशोर उपाध्याय, पूर्व मंत्री नवप्रभात और विधायक हरीश धामी भी खासे नाराज बताए जा रहे हैं। मैं इस खबर पर हमारे साथ शुभम जुड़ चुके हैं। शुभम, ये तो बात साफ नजर आ रही है कि कांग्रेस में दो धड़ बट गए हैं। जी, आपको बिल्कुल बता रहा हूँ। जिस तरीके से बात करूँ कांग्रेस की, तो कांग्रेस बहुत बड़ी विपक्ष पार्टी है, लेकिन जिस तरीके से अब कांग्रेस में खुद ही में जो है आपसारी में जो है तनाव देखने की स्थिति बन रही है। जहाँ पे हरीश रावत की बात करें तो कहीं ना कहीं हरीश रावत भी खुश नहीं है। जिस तरीके से कमेटी जो 10 मेंबरों के 10 अध्यक्ष बांटे गए हैं, अलग अलग कैबिनेट है, अलग अलग जिले के, और जहाँ देखा जा रहा है कि जिस तरीके से बंटवारा किया गया, इस बंटवारे से कई मंत्री जो या नेता जो कहें कांग्रेस की जो खुश नहीं है, और कहीं ना कहीं आला कमान से उम्मीद लगाए बैठे हैं कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। जी, लेकिन हरीश रावत की क्या नाराजगी है, क्योंकि लगातार शुभम ये तो सामने आ रहा है कि मनाने की कवायद तो हो रही है, 180 से ज्यादा सदस्यों की सूची भी जारी कर दी गई है, लेकिन ऐसे कौन से पद है जिसको लेकर हरीश रावत खुश नहीं है? सिपा सलाहकार भी उनके खुश नहीं है, ये भी जो पूर्व में रह चुके हैं मंत्री किशोर उपाध्याय उनके अंदर भी नाराजगी है, तो वो कौन सी सीटों के बंटवारे हैं जिनको लेकर खासा नाराजगी है? जी बिल्कुल, आपको बता दो जिस तरीके से 10 गुटों में बांटे गए हैं उसको देख के भी कहीं ना कहीं नाराजगी है। दूसरी बार बात करूं जो हरीश रावत के करीबी है उसमें नवप्रभात, बात करूं हरीश की तो कहीं ना कहीं इन लोगों का भी जो नाम आगे सामने नहीं आया, इसे देखते हुए बड़े आला अधिकारी और आला नेता जो कांग्रेस के कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी छुपाए बैठे हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस के दो जो खेमे हैं वो बट से गए हैं, हालांकि नाराजगी है उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि चुनाव नजदीक है तो एकजुट होना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। कोरोना को देखते हुए 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व स्नान सांकेतिक होगा। श्री गंगा सभा और तीर्थ पुरोहित ही सांकेतिक रूप से पूजन कर स्नान करेंगे। हालांकि 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट लाने पर गुरुओं के दर्शन कर आशीर्वाद लेने की अनुमति दी गई है। निगेटिव रिपोर्ट से श्रद्धालु हरिद्वार तो आ सकेंगे लेकिन माँ गंगा में स्नान नहीं कर पाएंगे। हर की पौड़ी समेत सभी घाटों पर पुलिस की कड़ी चौकसी रहेगी। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन मैं इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त संवाददाता शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, गुरु पूर्णिमा को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, किस तरह की अभी आप श्रद्धालुओं में किस तरह का जोश देख पा रहे हैं, क्योंकि हालांकि गंगा स्नान करने को नहीं दिया जाएगा इस बार? जैसे बात करी जाए श्रद्धालुओं के जोश की, तो श्रद्धालुओं का जोश तो पहले ही ठंडा हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से कोविड का खतरा देखते हुए उत्तराखंड सरकार जो है वो पहले बहुत काफी दिन पहले से ही सतर्क दिखाई दे रही है। जब से उत्तराखंड की जो बागडोर है वो धामी ने संभाली है, वो लगातार जो है वो कोविड को लेकर सतर्कता बरत रहे हैं और अधिकारियों को भी लगातार निर्देश दे रहे हैं। चाहे वो कांवड़ यात्रा की बात की जाए, तो कांवड़ यात्रा भी सबसे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ही स्थगित करने की बात कही थी। हालांकि जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ये आदेश करते हैं कि कांवड़ यात्रा को लेकर संशय बरकरार है, दोनों ही उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी गहमा गहमी चली थी, जिसको लेकर पुष्कर सिंह धामी दिल्ली भी गए थे, जहां पर उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से ये गुजारिश की थी कि जो कांवड़ यात्रा है वो स्थगित की जाए कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए। तो जिस तरीके से कांवड़ यात्रा को भी स्थगित किया गया था, बॉर्डर पर पुलिस लगा दी गई थी, और गंगा जल का जो कांवड़ जो पहुंच भी रहे थे उनके लिए गंगा जल का जो देने का सिलसिला था वो बॉर्डर पर ही उनको दिया जा रहा था, और वहीं आज गुरु पूर्णिमा के दिन पे भी भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की जो आशंका थी वो जताई जा रही थी और पहुंच भी रहे थे लगातार लोग। लेकिन इसको देखते हुए बॉर्डर पर भी अगर बात की जाए तो हरिद्वार बॉर्डर पर भी पुलिस जो है काफी भारी संख्या में लगाई गई है, क्योंकि जिस तरीके से श्रद्धालुओं को पहुंचने का जो सिलसिला है हर साल जो है पीसीआर रिपोर्ट के जरिए क्या श्रद्धालुओं को अनुमति मिलेगी कि वो गंगा स्नान कर सके? नहीं, गंगा स्नान करने की अनुमति आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी नहीं है। हालांकि अगर 72 घंटे की रिपोर्ट जो है वो लेकर अगर श्रद्धालु पहुंचते हैं तो उनको वहां पर मंदिर के दर्शन करने और वहां पर आशीर्वाद लेने की अनुमति दी गई है, और किसी भी तरीके के स्नान की जो अनुमति है वो नहीं दी गई है। इसीलिए इसी को देखते हुए कि कहीं कोई घटना ना हो जाए या शासन के आदेश के बावजूद भी लोग गंगा में स्नान ना करें, इसको देखते हुए भी प्रशासन
ने पूरी तैयारी अपनी करी है। वहां पर हरकी पैड़ी पे इस वक्त देखा जा रहा है कि भारी पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिया गया है। सुबह से ही जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि ये काफी बड़ा पर्व माना जाता है हिंदू धर्म की आस्था के अगर बात करी जाए तो काफी बड़ा पर्व माना जाता है इसके, और गंगा में स्नान करने का भी काफी महत्व है, जिसको लेकर हर साल यहाँ हरिद्वार में काफी अलग अलग बिल्कुल हालांकि गुरु पूर्णिमा का पर्व खास होता है, श्रद्धालुओं के अंदर भारी आस्था रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं इस आस्था को फीका कोविड ने कर दिया है, जिसके चलते जो श्रद्धालु हैं वो अब गंगा स्नान नहीं कर पाएंगे नेगेटिव रिपोर्ट होने के बावजूद भी, क्योंकि लगातार तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है, तो उसको लेकर श्रद्धालुओं को गंगा स्नान करने की अनुमति नहीं दी है। 72 घंटे की रिपोर्ट निगेटिव होने पर आप अपने गुरुओं से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं। तो गुरु पूर्णिमा का पर्व बेहद ही गुरुओं का पर्व होता है, जिसमें आप गुरुओं का आशीर्वाद लेते हैं, गंगा स्नान करते हैं, श्रद्धालु उत्साह होता है, लेकिन इस बार कोविड प्रोटोकॉल के चलते गंगा स्नान की अनुमति नहीं दी गई है। श्रद्धालुओं को भी हरिद्वार में एंट्री के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव 72 घंटे के होने की जरूरी है, इसको सुनिश्चित किया गया है। वहीं कांवड़ यात्रा की बात करें तो कांवड़ यात्रा पर भी रोक लगा दी गई है। हालांकि श्रद्धालुओं की आस्था में कमी ना रहे तो उत्तराखंड में गंगा जल पहुंचाने के लिए भी अभियान पुष्कर सिंह धामी द्वारा चलाया जाएगा, जिसमें वो श्रद्धालुओं को गंगा जल वितरित करवाएंगे, लेकिन गंगा स्नान और कांवड़ लेकर आने की अनुमति बाहरी इलाकों से नहीं है। तो गुरु पूर्णिमा की खास आज अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ हर बार उमड़ती है, हर बार श्रद्धालु भारी संख्या में हर की पौड़ी पहुंचते हैं और वहां पर गंगा स्नान करने की आस्था रखते हैं, लेकिन इस बार कोरोना के चलते अनुमति नहीं दी गई है श्रद्धालुओं को। 72 घंटे की रिपोर्ट होने के बावजूद भी वो गंगा में स्नान नहीं कर पाएंगे। हालांकि वो आस्था का केंद्र हरिद्वार में जाकर श्रद्धालु अपने गुरुओं से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन गंगा स्नान करने की अनुमति नहीं है। तो गुरु पूर्णिमा गुरुओं का दिन होता है, काफी अहम माना जाता है और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह भी देखने को मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस बार श्रद्धालु गंगा स्नान नहीं कर पाएंगे। जीवनदीप आश्रम में पहुंची उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शत चंडी महायज्ञ में भागीदारी की। इसके साथ ही गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित पूजन में शामिल होकर महामंडलेश्वर स्वामी यतीत्रानंद का आशीर्वाद भी लिया। रुड़की के जीवनदीप आश्रम में एक सप्ताह से चल रहे शतचंडी महायज्ञ का समापन हो गया है। समापन अवसर पर उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने यज्ञ में भागीदारी ली। इसके बाद गुरु पूजन में शामिल होकर महामंडलेश्वर स्वामी यतीत्रानंद का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते देश बहुत दिक्कतों से जूझ रहा है, उसी के मद्देनजर स्वामी यतीत्रानंद ने महायज्ञ किया है। अब देख ही रहे हैं जिस तरह से पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है, उसकी शांति के लिए उत्तराखंड में हमारे स्वामी जी ने रुड़की में ये शतचंडी यज्ञ कराया है और संभवतः और चलेगा। तो ये कोरोना को भगाने के लिए, कोरोना कैसे जाए उत्तराखंड से इन और सब लोगों को कैसे शांति मिले, उनका कारोबार कैसे चले, वो कैसे अपनी हर काम में लगें, ऐसी मंगल कामना करते हुए ये यज्ञ। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अपने विधानसभा का भ्रमण कर किया। मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्वतीय क्षेत्रों के बेहतर विकास को लेकर कार्य कर रही है, गांव-गांव को सड़क से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही अधूरे और बाधित कार्यों को भी पूरा किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने विभिन्न मार्गों का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि चौबट्ठा खाल विधानसभा के लिए व्यास घाट नजदीकी रेलवे स्टेशन होगा। हरिद्वार की तेज तर्रार ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती के द्वारा रोशनाबाद खाला टीरा औरंगाबाद क्षेत्र में अवैध रूप से मेडिकल संचालक कर रहे संचालकों के खिलाफ अभियान चलाया गया।
जिसके चलते मेडिकल संचालकों में हड़कंप मच गया। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि रोशनाबाद और औरंगाबाद क्षेत्र में लंबे समय से मेडिकल स्टोर और क्लिनिक्स में गड़बड़ी की शिकायत मिल रही थी, जिसके चलते आज छापेमारी की गई। उन्होंने बताया कि एक मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित दवाई भी बरामद की गई, जिस पर ड्रग नियमों के तहत कार्रवाई भी की गई है। हाँ, मेडिकल स्टोर रूम है जो है निरंतर विजिट करना बहुत जरूरी है। जो दवाइयों का रखरखाव है और दवाइयों का जो सुपरविजन है, किस तरीके से किसके उसमें निगरानी में किया जा रहा है, लगातार मुझे रोशनाबाद से ज़्यादा शिकायतें मिलती हैं कि यहाँ पर दवाइयों का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। और दवाइयों का जो रखरखाव है वो बहुत ज़रूरी है कि हम कौन सी दवा किस स्टोरेज पे रखनी चाहिए, ये बहुत। कलियर नगर पंचायत के सभासदों ने नगर पंचायत अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर बोर्ड बैठक करवाए जाने की मांग की। सभासदों ने कहा कि नियमानुसार महीने में एक बार बोर्ड बैठक होनी चाहिए। बोर्ड बैठक ना होने के कारण क्षेत्र के विकास कार्य रुके हुए हैं। कलियर नगर पंचायत में करीब एक साल से बोर्ड की बैठक आयोजित नहीं हुई है। इससे नाराज पार्षदों ने अधिशासी अधिकारी को पत्र सौंपा। वहीं अधिशासी अधिकारी रमेश सिंह रावत का कहना है कि शौचालय एवं आवास आवंटन में हो रही देरी और नाला निर्माण एवं सफाई को लेकर जल्द से जल्द कार्य शुरू किए जाए। हम सभी मेंबरान ने, जितने भी हमारे नगर पंचायत के सदस्य हैं, सभी ने इसलिए सौंपा है कि विकास कार्यों में काफी देरी हो रही है और हमारे जो शौचालय का कार्य था काफ़ी दिन हो गए हैं, लोग अब तक नहीं मिले और कुछ और इशूज़ हैं जो हमारे यहाँ नगर पंचायत में हैं। और हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर, हम सब लोगों ने ज्ञापन जो सौंपा है ईओ साहब को, वो ताकि जल्द से जल्द एक बोर्ड की बैठक बुलाई जाए जिसमें हमारे विकास कार्य जो छूटे हुए हैं और जिन जो और नए होने हैं, ताकि हम लोग उस पर डिस्कस कर सकें। पालिका के सभी मेम्बरान महोदय आए थे, उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें उन्होंने जो शौचालय हैं पूर्व से बनने आ रहे हैं उनका विस्तारीकरण सुधारीकरण की बात की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों के बारे में जो उनको राहत सहायता मिलना है उसके बारे में प्रस्ताव दिया है। कुछ निर्माण कार्य जो रुके हुए हैं उनके बारे में उन्होंने चर्चा की है और साफ सफाई व्यवस्था के बारे में कहा है कि उसको कुछ प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जाए। मैंने पूरा आश्वासन दिया है कि उस सारे काम में दोनों पक्षों का सहयोग आवश्यक है। प्रशासनिक रूप से सारा काम करने के लिए, सहयोग करने के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। उसमें स्थानीय पार्षद महोदयों का सभी का स्वागत और सहयोग अपेक्षित है। तो अधिकारियों की सभासदों ने उप अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें जो निर्माण कार्य पड़े हुए हैं, लंबित पड़े हुए हैं, उनको लेकर तत्काल प्रभाव से उन निर्माण कार्यों को पूरा कराने, साफ सफाई की व्यवस्था पर दुरुस्त करने को लेकर और इसमें तमाम मांगों को लेकर एक ज्ञापन जो है वो सौंपा गया। मसूरी में अतिक्रमणकारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें शासन प्रशासन का भी कोई खौफ नहीं है। मसूरी में लगातार अवैध कब्जों का सिलसिला जारी है। मसूरी के प्रबुद्ध जनों द्वारा इसको लेकर बार बार नगर प्रशासन और उच्च अधिकारियों से इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया, लेकिन इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। हालांकि एक बार अतिक्रमणकारियों की सूची बनाई गई थी, लेकिन वो भी अब ठंडे बस्ते में है। मसूरी के 12 कैची मार्ग में लगभग 100 से ज्यादा संख्या में बांग्लादेशी, नेपाली, बिहार और कई अन्य प्रदेशों से आकर लोगों द्वारा यहां पर कब्जा किए जाते हैं, जिसको लेकर शासन प्रशासन ने मौन धारण किया हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां पर बाहरी लोगों द्वारा माहौल खराब किया जा रहा है और अनैतिक कार्यों की भी यहाँ पर किए जाने की चर्चा है। साथ ही यहाँ से आपराधिक गतिविधियां भी संचालित की जाती है। जी देखिए, ये तो विगत काफ़ी वर्षों से देखने में आ रहा है कि 12 कैंची जो रोड है इसमें बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों ने काफ़ी कब्जा कर लिया है, ज़मीनों पे अवैध बस्ती बसा दी है वहाँ पे और काफ़ी समय से वहाँ पे आपराधिक गतिविधियाँ चल रही हैं, जिससे तंग आकर काफ़ी मोहल्ले आसपास के मोहल्ले वालों ने भी कंप्लेंट करी है डीएम एसडीएम को, लोकल प्रशासन को, लेकिन कोई उसमें कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि वहाँ पे सबको पता है, शासन को भी पता है कि वहाँ पे अवैध नशाखोरी होती है और वहाँ पे शराब की सप्लाई होती है, इवन वहाँ पे मर्डर भी हो चुके हैं कई बार,
लेकिन शासन प्रशासन इसमें सोया हुआ है। एक बार वहाँ पे ज्ञापन उनको नोटिस भी गए थे, लेकिन फिर राजनीतिक शेयर के चलते वो मामला ठंडे बस्ते में चले गया है और ये बहुत ही गंभीर विषय है जिसपे शहर और शासन प्रशासन को ध्यान देते हुए। देखिए, हमारे संज्ञान में आया है कि वहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले किसी ने वहाँ पर अतिक्रमण वहाँ पर बढ़ा है कोविड के टाइम पर। हमारी नॉलेज में अच्छी तरह है कि वहाँ पर, क्योंकि वो बस्ती आज से नहीं कई वर्षों पुरानी है और पालिका द्वारा उनके चलान भी काटे गए हैं, SDM कोर्ट में उनके खिलाफ केस भी चल रहा है, लेकिन हमारा ये दायित्व है कि जो भी अतिक्रमण वहाँ पर हो रहा है उसको रोका जाए, उसको आगे ना बढ़ना जाए। और इसको देखते हुए मैंने भी अधिशासी अधिकारी को आदेशित कर रहा हूँ, आपके द्वारा मेरे संज्ञान में आया है, मैं तुरंत अभी आदेशित कर रहा हूँ कि जो भी वहाँ पे नया निर्माण किया जा रहा है उसको रोका जाए और जो भी निर्माण करता है उनके खिलाफ। तो प्रवासी मजदूरों के द्वारा जो अतिक्रमण किया गया है उसको लेकर चिंता जाहिर की गई है, क्योंकि इस जगहों पर अतिक्रमण कर कई अनैतिक कार्य किए जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन को इस ओर नजर बनानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कई तरह के चीज़ें हो रही हैं और कब्जा लगातार स्थानीय लोगों को नाराज भी है। स्थानीय लोग कि किस तरह से प्रवासी जो बाहर से आए उन्होंने अनैतिक कार्यों के लिए ज़मीनों पर कब्जा कर लिया है। वहीं आतंकी गतिविधियां भी संचालित की जा रही हैं, इस बार का भी संदेह है, जिसको लेकर प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस ओर तत्काल प्रभाव से नज़र बनाते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए। मसूरी पुलिस ने नाबालिग लड़की का शारीरिक व मानसिक शोषण करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। CEO नरेंद्र पंत ने बताया कि थाने में एक शिकायतकर्ता ने तहरीर दी थी कि उसकी 14 साल की लड़की से पिछले 4 महीने से उनका पड़ोसी शारीरिक व मानसिक शोषण कर रहा था। पीड़ित पक्ष की तहरीर के बाद SSP ने आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के आदेश दिए। SSP के आदेश के बाद पुलिस ने तत्काल आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश दी, जिसके बाद पुलिस को सफलता भी मिल गई है। पुलिस ने आरोपी को अपनी हिरासत में ले लिया और उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। देखिए, एक तहरीर कल हमारे पास थाना मसूरी पर, कोतवाली मसूरी पर आई थी। इसमें पिता द्वारा बताया गया कि उनकी 14 वर्षीय पुत्री के साथ उनका जो पड़ोसी है वह छेड़खानी करता है तथा शारीरिक शोषण का मामला उन्होंने वहाँ पर उठाया था उस तहरीर में, और थोड़ा सा उन्होंने कहा था कि मेंटल टॉर्चर करता है। तो इस संबंध में तुरंत ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और 354 कौ में और पॉक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। फिलहाल के लिए पहाड़ समाचार में बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम TV।